सो वेलकम बैक गाइस, मैं आज का हुई एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। तो गाइस आज हम लोग अगेन खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। एंड गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था बहुत बड़ा सा, बड़ा नहीं, ठीक ठाक सा साइज का एक कैसल, देख सकते हो अपने पीछे। एंड मैंने इसको थोड़ा बहुत और डेकोरेट कर डाला है, तुम लोग देख ही सकते हो यार, मतलब एपिक है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। तो खैर कोई नहीं गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना यार, मैं बनाने जा रहा हूँ एक शुगर केन फार्म एंड वहाँ मेरा एक नेदर पोर्टल है। तो खैर कोई नहीं, फटाफट से शुगर केन फार्म जहाँ पर मैं बनाऊंगा ना वाला एरिया भी दिखाऊंगा। तो खैर पहली बात तो यार ये देखो, मैंने इंटीरियर डिजाइन कर दिया है। एंड यार यहाँ से ऊपर चलने का रास्ता है, तुम लोग देख सकते हो ऊपर अपना नेदर पोर्टल है। एंड मैंने कुछ ऐसा डेकोरेट किया है। एंड हाँ, अभी एक और चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, मैंने ना साइड में जो एक एरिया था ना जहाँ पे मैंने अपने डॉग को रखने बोला था, वहाँ पे मैंने अपने डॉग को जाकर बैठा दिया है। वेट दिखा रहा हूँ, तो यार ये देखो, ये है वो वाला एरिया जहाँ पे मेरा डॉग बैठा हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है। एंड इसके लिए नेम टैग नहीं है। एंड वो जो सामने एरिया मैंने प्लेन किया है ना, यहाँ पर मैंने वॉल भी लगा डाले है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेडिवल थीम दे रहे हैं। तो यहीं पे ना मैं अपना शुगर केन फार्म बनाने वाला हूँ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये सारा सामान मैंने कलेक्ट किया है, बहुत टाइम लगा यार इनको सबको कलेक्ट करने के लिए। मेनली आयरन की मेरे को बहुत कमी पड़ गई थी यार, इसलिए यार एक्स्ट्राली मेरे को 2 घंटे के आयरन की ये माइनिंग करनी पड़ी थी। जब मैंने कैलकुलेट किया एट दी एंड, तब फाइनली में हुआ। तो खैर कोई नहीं, मैं इन सबको ले लेता हूँ। सो गाइस अभी फटाफट से अपने शुगर केन फार्म को बनाने का काम स्टार्ट कर डालते हैं। एक काम कर डालता हूँ, मैं यही कहीं से स्टार्ट कर डालता हूँ। सो गाइस मैं कुछ इस तरीके से अपने इस फार्म को बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक के नीचे वाटर एंड अवे इसके ऊपर प्लेस होने वाला है पिस्टन, मतलब यहाँ पे नीचे वाटर है ताकि शुगर केन प्लेस हो जाए। एंड यहाँ पे ऐसा करूँगा। एंड गाइस हाँ, ये वाला शुगर केन फार्म मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में ना यार हम लोगों को शुगर केन की बहुत इंपॉर्टेंस पड़ने वाली है, मीन्स ट्रेडिंग के लिए हमें शुगर केन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे ना, उसके लिए भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे ना, उसी के लिए पेपर्स लगेगा, इसलिए शुगर केन फार्म बना रहे हैं। डायरेक्ट ऑटोमेटिक वाले बनाते हैं, मैनुअली वाला ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ऑल राइट तो यार यहाँ पे अभी मैं ऑब्जर्वर्स लगा डालता हूँ, देख सकते हो। कुछ ऐसे नहीं लगाना बे, ऐसे नहीं लगाते हैं ऑब्जर्वर, एकदम एज में पकड़ के ऐसे लगाते हैं। यस तो यार अभी फटाफट से इतना काम कर डालते हैं, बाकी का काम कल सुबह उठ के कर लेंगे। अभी मैं फटाफट से एक बार सो जाता हूँ, लेट्स गो, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट तो यार अभी मैंने ना यहाँ पर सारा का सारा मतलब जितना सा जहाँ पर मैं लगा सकता था ना, जितना सारा वो सारा लगा डाला। एंड तुम लोग देख सकते हो कि ये ऐसे ये काम कर रहा है। एंड सॉरी यार मेरे को ये वाला एक बार तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो साइड है ना यार, यहाँ पे शुगर केन प्लेस नहीं हो रहा है। आई नो कि प्लेस हो जाएगा, वाटर चाहिए रहेगा। ओके तो यार अभी मैंने यहाँ पर जितना भी सारा शुगर केन था प्लेस कर डाला है। एंड यार ऊपर मैंने रेडस्टोन पे भी प्लेस कर डाला है, ठीक है। तो यार अभी फटाफट से यहाँ पे इसको ग्लास से कवर कर डालते हैं मैं। ऑलराइट गाइस अभी यार यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए ऐसे स्टोन ब्रिक्स भी लगा चुका हूँ। अभी देखो ये इतने से एरिया में बस इतना ही शुगर केन मैं अभी प्लेस कर पाया हूँ, बट यार मेरे को बहुत सारा ऐसे मशीन्स बनाने हैं। देख सकते हो कि यार यहाँ पे एक ही है, बट यार मैं चाहता हूँ और भी बने, तो फिर उसका काम स्टार्ट कर डालते हैं। एंड यहाँ पे क्रीपर ब्लास्ट हुआ था भैंस की टांग, उसी का ये सारा है। खैर एनीवेज गाइस फटाफट से यार ऐसे मैं 3-4 मशीन्स बना देता हूँ, एंड देन इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे हम लोग। ऑलराइट गाइस अभी बहुत हद तक मैंने इस वाले फार्म को बना डाला है, एंड मैं आके सो चुका हूँ। तो वे गुड मॉर्निंग। एंड मैंने अपने लेफ्ट हैंड में फूड ले लिया है ताकि यार मेरे को बार बार दिक्कत ना करनी पड़े। तो यार मैं फटाफट से बाकी का फार्म भी अभी बिल्ड करूंगा, दिखा देता हूँ मैंने उसको कितना बिल्ड किया है। तो फिर गाइस अभी मैं थर्ड मशीन पे काम कर रहा हूँ, तुम लोग देख सकते हो। एंड मे बी आप और 2 ही अट पाएंगे, यानी 4 मशीन से अट पाएंगे। खैर कोई नहीं, जितने अटेंगे उतना बढ़िया। खैर ये फार्म बहुत तेज काम करेगा, आई नो। ऑल राइट गाइस फाइनली मैं बहुत हद तक ये वाला फार्म जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। लिटरली मैं कह रहा हूँ यार मेरे को इसको बनाने में आधा घंटा जैसा टाइम लग गया, बट यार इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। एंड इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना बाकी है, देख सकते हो मैंने इसके 4-4 मशीन बना डाले हैं। एंड ये बहुत एपिक काम करेगा, इसको ग्लास से भी कवर कर डाला है। एक पॉइंट पे यार मेरे को लग रहा था ग्लासेस की कमी पड़ेगी, एंड यार मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर से भी एक्सपेंड किया जाए। आज नहीं करेंगे, आज यार बहुत देर मतलब बहुत देर नहीं, बट फिर भी और मन नहीं कर रहा। तो गाइस अभी कलेक्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, एंड शवल की एचपी बहुत कम है यार। खैर कोई नहीं, या मैंने यार चेस्ट को रैंडमली प्लेस किया ना, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत सही से देख के कलेक्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिख करके। खैर कोई नहीं, कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के बाद गाइस मैं तुम लोगों से मिलूंगा यही 10 मिनट में। खैर एनीवेज गाइस मैंने सभी के सभी चेस्ट को एस लाइन बाय लाइन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से लगा डाले है। एंड देख सकते हो तुम लोग कि यार अभी मैं यहाँ पे हॉपर सब सही से एकदम लगा रहा हूँ,
खैर इन हॉपर्स को लगाना कोई बड़ी काम तो नहीं है, खैर कोई नहीं, फटाफट से इनको लगा डालते हैं, देन चेक करेंगे कितने हमें शुगर केन मिले। एनीवेज गाइस, अभी यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सब कुछ एकदम ब्लॉक को ऑसमली लगाते लगाते एंड फटाफट से इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लॉक कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं अपना जो एक शुगर केन फार्म है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो यार अभी देख सकते हो शवल की एचपी बहुत कम है, न्यू बना लूंगा मैं बाद में। खैर नेक्स्ट एपिसोड में हम एन्चेंटिंग करेंगे गाइस। एंड अभी फटाफट से एक काम करना है ना, वो काम ये है कि मेरे को चल के अभी सोना है क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। एंड चलते हैं। हो यार रास्ते में कितने सारे मॉब्स मिले थे यार, पता है गाइस मेरे को ना यार एक ज़ॉम्बी से कैरेट मिल चुका था जो कि बहुत ऑसम है। मैं एक काम करूँगा ऑफ कैमरा ना थोड़े बहुत काउस शीप्स एंड एक फार्म बना डालूंगा कैरेट का एंड वीट का, क्योंकि ये सीन वीडियो में दिखाना बोरिंग रहेगा, तो फिर यार मैं तुम लोगों को दिखा डालूंगा। खैर फटाफट से शुगर केन फार्म में चल के चेक करते हैं कितने शुगर केन मिले। एंड भैंस की टांग यहाँ पे क्रीपर है, इसको फटाफट से मार के मैं चलता हूँ शुगर केन फार्म में। खैर गाइस फटाफट से यहाँ पर मैं चेक कर डालता हूँ कितने शुगर केन है, तो लेट्स सी। तो यार यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 61 है, नाइस यार नाइस, यहाँ बहुत सारे शुगर केन है गाइस, मतलब लिटरली कह रहा हूँ। एंड मेरी इन्वेंट्री में तुम लोगों को कैरेट भी दिख ही गया होगा, खैर अच्छी बात है। एंड एक काम करेंगे यार इस शुगर केन फार्म की हेल्प से, तो यार मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी कर पाऊंगा ना यार विलेजर्स से, बढ़िया यार बहुत बढ़िया है। सो एनीवेज गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एम है 15 लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर डालना, कमेंट में बताओ ये शुगर केन फार्म आप लोगों को कैसा लगा। एंड ये रात से माइनक्राफ्ट की वीडियो में रेगुलर डालने का ट्राई करूंगा जब तक मेरे स्कूल स्टार्ट नहीं होते। तो खैर एनीवेज आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।